तखतपुर में भारत संकल्प विकसित शिविर का आयोजन सांस्कृतिक भवन प्रांगण में आयोजित किया गया। इस शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाया गया। इन स्टॉलों में सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में आवेदन लिए गए। आज का ये कार्यक्रम तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र में आयोजित किया गया है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम है। इसके तहत आज ये आयोजन तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र में किया गया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित हैं, जो कि शासन की योजनाओं को आम लोगों तक फायदा पहुंचा रहे हैं और उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित किया गया है। इस शिविर में उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आवेदन जमा कराए गए। स्वीकृत किए गए आवेदन पर महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया गया। आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के बहुत दूरगामी योजना के और संकल्प के तहत संकल्प यात्रा के प्रथम चरण में तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र में हमारे सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक माननीय डॉक्टर धर्मजीत सिंह जी के संयोजन में निर्देश पर यहां आज शिविर आयोजित किया गया, जिसमें हमारे केंद्र की और वर्तमान राज्य सरकार की अनेक जन सहयोगी और जन उपयोगी योजनाओं का सीधे हितग्राहियों को नागरिकों को लाभ मिले, इसलिए यहां शिविर के माध्यम से उन्हें जानकारी भी दी गई, उनके फॉर्म भी भरे गए और उनको जो स्वीकृति दी जा सकती थी वो विभिन्न शिविरों में उन्हें स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आवास योजना, आयुष्मान स्वास्थ्य का कार्ड और उज्ज्वला गैस जो हमारी महिला शक्ति को समर्पित है, माताओं को समर्पित है, उसके सिलेंडर भी जो रियायती दर पर उन्हें दिया जाएगा उसका भी यहाँ पर स्वीकृति के साथ वितरण किया गया है। इस अवसर पर छोटे छोटे बच्चों के द्वारा नृत्य व संगीत की प्रस्तुति दी गई। नगर पंचायत उपाध्यक्ष वंदना बाला सिंह ने ऐसे आयोजनों को सफल बताते हुए कहा कि निश्चय इस आयोजन से केंद्र सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ आम जनता को मिल रहा है। आने वाले समय में ऐसे लोक उपयोगी शिविर का आयोजन किया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका मतलब ये है कि भारत की जब आजादी को 100 वर्ष पूर्ण होंगे तो भारत पूर्ण रूप से विकसित देश बने। विकसित का मतलब ये होता है, विकसित देश का मतलब होता है कहीं पर कोई प्रकार का गरीबी ना हो, सभी अच्छे से अपना उद्योग धंधा चलाएं और हर क्षेत्र में भारत जो है प्रगति करे। ये हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का एक संकल्प है कि भारत जब अपनी आज़ादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तब हमारा भारत जो है वो खुशहाली की ओर आगे बढ़ेगा, सभी क्षेत्र में विकसित होगा। उसी के उद्देश्य को लेकर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में यह यात्रा जो है यहाँ पर तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र में आया है और इस यात्रा के माध्यम से जो केंद्र सरकार की बहुत सारी जो योजनाएँ हैं जो सीधे गरीब वर्गों से जुड़ी हुई है उसका लाभ देने के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए यहाँ पर शिविर आयोजित किया गया है। और इस शिविर में आज तखतपुर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों का जन सैलाब योजनाओं का लाभ लेने के लिए यहाँ पर उमड़ रहा है और हम देख रहे हैं कि जो पिछली सरकार के समय में बहुत सारे जो वंचित थे, जैसे कि आवास योजना के अंतर्गत बहुत लोगों का कार्ड भी नहीं बना था, आयुष्मान कार्ड, यहाँ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। तो ये एक जो अभी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में सरकार बनी है और जो उनका सबसे पहला प्रथम घोषणा पत्र है कि 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देना, तो आज हमें यहाँ पर दिख रहा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यहाँ सभी जो लाभार्थी हैं यहाँ पर लाभ लेने के लिए आए हुए हैं। इस आयोजन में तखतपुर नगर पंचायत, राजस्व विभाग, पशु विभाग के साथ साथ अन्य विभागों के आवेदन भी स्वीकार किए गए। मुंगेली जिला ब्यूरो शील पाठक की रिपोर्ट।